बाकी लोग आके बोल दो इनसे बात कर लो। हट पीछे तेरे से बहुत देखे हैं मैंने। हट पीछे अभी वो सब बात कर रहा है, उसको लग रहा है बड़े हीरो। इस अवसर को जिंदा किया जाए, इस अवसर को जिंदा कर दिया जाए। देखे तेरी औकात कितनी है, निकल दिया।
तेरी औकात हो तो पकड़ गया उसके घर से आराम जाते भाग कर रहा है खींच ला उसको एक दो तीन पकड़ ले आराम जा कहा जाएगा भाग के बांध दिया जाए शरीर को इसी शरीर को बांध दिया जाए कहाँ भागेगा कहाँ भागेगा भाग के दिखा निकल के दिखा तो तेरी औकात हो तो निकल के दिखा बड़ा पी बनता है छोटे बड़े पी छोटे बड़े सरकार छोटे सरकार बड़े सरकार टट्टी के अंदर गोते लगाता रहे सुअर की टट्टी चल लगा गोते उसी काली कुत्ती बाबा की आरती करती है खाता ले टट्टी खाता रहे नाक मुंह आंख सर पैर हर इसके जहां शरीर में छेद सब गुजर दे सुअर की खाता रहे खा टट्टी और सुअर की और दिखाता है बुला अपनी फौज कितनी देर फौज है बुला बुला से जितने लोग आते सब बुला तूने बहुत कुछ किया होगा तूने किया होगा जादू मंत्र करने वालों का करने वालों का पूरी प्रॉपर्टी राजा से फटी बना दिया इसके साथ मेरा निकाह कराया गया था आज मुझे कहा अभी तेरा निकाह कराता हूँ हैराम जाते अभी निकाह या खुदा मौला मेरे इस दरबार को यही भस्म कर दे इस हैराम जाते कितनी होती थी बना दिया आराम जादे मुल्ले जमीने कमीना अब तेरा मोला हो गया खाली झोला बोलिए करौली सरकार है जी ये मौलाना अच्छा वो दरगाह भी जो शिकायत लेके दरगाहें उखाड़ दी जाएंगी दरगाहें जितनी है जितने मौला मुल्ला बैठी है कमीने हिंदू लड़कियां औरतें गई साले चढ़े हजारों की संख्या में तबाह कर देते ये है तबाही के कारण आप सोचते हम जा रहे हैं छोटे सरकार बड़े सरकार और ये कमीने बैठे इंतजार में लड़कियों के इंतजार बंद क्यों किया था जाने से क्यों बंद किया जाना वहाँ पे क्योंकि उसको पकड़ के लाना था दरबार तेरे से कुत्तों को पता है ना कितने पकड़ पकड़ के दरगाह उखाड़ी जाती है पता ना तुझे इस दरबार में पता है नहीं तेरा नंबर आ गया तेरी दरगाह मौला वो मुल्ला तो छोटा था इसलिए उसे पकड़ लिया तू बड़ा है ना तू घर पकड़ के पिटवाया तुझे भी सजा मिलेगी एक दिन जानता नहीं है तू मुझे अभी और थोड़ा सुअर की टट्टी लाई जाए और इसके मुंह को घसेड़ दी जाए एक दो खाता रे रोटी खाता रहे खाता रहे तेरी तेरी ऐसी की तैसी हराम जाते तेरे पिता की ताली तेरी सुन रहा खुदा तेरे से कुत्तों की सुनता है खुदा पता हराम जाते खुदा को बदनाम करता है कमीना आराम जाते खुदा कहता है तू काम कर लड़कियों से है? कहता है तो क्या हुआ कहता है जो इच्छा होती है वो पूरी करो ना अपनी अपना फायदा देखते हैं हम लोग तो अपना फायदा देखते हैं अच्छा तो लड़कियों पर बात कर दो तुम्हारी पूजा करने जाए दरगाह में साले इस मन्नत से जाती चलो अच्छे हो जाए और तुम साले उनके शरीर में जाके कर्म करते हो आराम जाते तो क्या हुआ बनी है इसीलिए बनी अच्छा इसीलिए बना है कि तुम्हारे मोटी मोटी काटूंगा छोटे बड़े सरकार के नाम से पूजा होती है मेरी अच्छा। जाना बंद क्यों किया वहाँ पे
अच्छा जब इससे बोला देख, देख मुल्ला सही है, तेरी दरगाह उखाड़ रहा हूँ तेरी आंखों के सामने, देख अपनी आज बर्बादी, अपनी बर्बादी देख अपनी आंखों से, इसकी दरगाह को उखाड़ दिया जाए, पूरी दरगाह को उखाड़ दिया जाए, पूरी दरगाह उखाड़ दी जाए, जितने प्रेत है ओम नमः हिंदुओं को लुभाने के लिए अच्छा बगल में राम दरबार लगा रखा मजार में कई जगह फैल जाएगी थोड़ी धूप जला दे ताकत मिल रही अच्छा भाई इसके नाम पे और इसके अनुरोध ले भाई छोटे बड़े सरकार सरकार तो उड़ गई और बुला किसी को बुला कोई इकट्ठे किए थे कहाँ चले गए तेरे सब मुल्ला किश्ती बह गई पानी जन्नत भी नसीब नहीं होगी चल तेरी बगल वाली जगह है बची अभी नहीं वो मेरा छोटा भाई है तेरा जो छोटा भाई है वो भी उखाड़ी जाएगी जगह चल देख बर्बादी वो भी देख बर्बादी हाँ पढ़ ले कलमा पढ़ ले आपने कई बार पहले तेरा संगार होगा तेरा छोटा भाई गिराया जाएगा फिर उसके सामने उसकी दरगाह उखाड़ेंगे ठंड से कांप रहा है बोला सही है छोटे बड़े सरकार कान बंद कर रहा है निकलता है मेरा इस आवाज से मछलियाँ करो मेरे नाम सुन के इनके कानों से खून निकलने लगता है इतनी ताकत है हिंदू सनातन धर्म नाम में इतनी ताकत है और जिसका नाम है उसकी वो क्या करेगा तेरा संहार होगा मौलाना उसके बाद तेरे छोटे भाई को पकड़ लाएंगे उसकी दरगाह बुलाएंगे उसको तो कभी नहीं पकड़ पाएगा अभी देखता हूँ चल उसको फिर मारूंगा नहीं अब लटकाया जाएगा तुझे इसको निकाल लिया जाए बाहर लटका दिया जाए बाहर उल्टा लटका दिया जाए बाहर आशा के साथ बांध दिया जाए आशा बाहर आशा के साथ बांध दिया जाए उल्टा लटका के बोलिए करौली सरकार की जय चलो इस छोटे वाले भाई को छोटे सरकार को पकड़ के लाया जाए ओम नमः शिवाय छोटे सरकार तू भी आ अम्मी 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 अच्छा बता रहा छड़ी मैंने छिपा दी अब क्या करें अबे मेरी छड़ी मेरे दस उंगलियां दसों छड़ी है हमारे गुरु
गुरुदेव ने हमारी दसों उंगलियों को 10 छड़ी बना दिया। मेरी यहाँ कोई इज्जत करेगा या नहीं? नहीं। तुम्हारी मैं आया हूँ, मेरी बात तो सुनो कोई। अच्छा सुनाओ, तुम अब इनकी बात सुन लो। आए मुझे यहाँ बुलाया क्यों, ये बताओ। तुमको तोड़ने के लिए बुलाया, उल्टा लटकाने के लिए? अगर बुला रहा था तो सीधे बुला देना, वहाँ पे तबाही क्यों मचाई? तबाही क्यों मचाई वहाँ? तेरे भाई की दरगाह उखाड़ दी, तेरी उखाड़नी बाकी है दुनिया। हिंदुओं का मसीहा बैठा है बनके। अच्छा, लोग मसीहा भोलेनाथ नहीं है। नफरत है मुझे शब्द से। इस शब्द से नफरत? अच्छा, नफरत है मुझे शब्द से। अच्छा, भोलेनाथ के नाम से नफरत है ना? बहुत। चल तू आया, तेरे स्वागत है। बोले टट्टी तो खा ले सुअर की? नहीं खा ले। नहीं, मुझे ना लाई है। सुअर की टट्टी लाई जाए भाई, 1.5 किलो कम से कम, ताजी ताजी टट्टी बिल्कुल। इसके मुंह में 1-2-3 टट्टी खाता रहे। खा ले पहले, स्वागत तो कर, स्वागत तो ले ले, खा ले। क्या स्वाद लिया तूने यार। अब 5 किलो सुअर का मांस ला लिया कच्चा, और वो भी इसके मुंह में गुजर गया। खाता रहे। खा ले, खा ले। तू आराम जाते, पाक कब ना पाक हो गए, ना पाक हो गए। जमीनों तुम खुद ही सुअर हो साले, हराम जादे। दरगाह बाजार में जाने वाली लड़कियों साले हराम जादे, कुकरम करोड़ों प्रेत पाल रखे है, बड़ा गुमान है तुमको अपने ऊपर, है ना? है ना? चल तू भी अपनी बर्बादी की देख तस्वीर, तेरी दरगाह भी फालता हूँ। बर्बाद तो हो गया, नापाक कर दिया मुझे। चल तेरी दरगाह उखाड़ते हैं, देख अपनी तबाही। मैं भी तुझे चेता नहीं सकती हूँ, बस तेरे बुरे चपल। तू आश्रम बांध, चल तुझे पहले छोड़। यहाँ पे तूने ये जो खोल रखा है ना, मुझे इसकी जानकारी पहले ही मिल गई थी। जानकारी मिली थी अंदर वाले? अच्छा, तुम पाए अभी तक? यहाँ पर जिस दरगाह की मजार की शिकायत मिलती है, जिस तांत्रिक ओझा मौलवी की शिकायत मिलती दरबार में, उसको हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाता। छोड़ दे रे बेटा, अभी तेरे भाई को रखा के रखा, दिख रहा बड़े सरकार लटक रहा उठा, देख रहा। बहुत अच्छा इंसान था, बहुत अच्छा इंसान था कमीना, तेरे जैसा ताकतवर था। मेरी कौम का। अच्छा, मेरे यहाँ जितने थे। अच्छा, उसका छोटा भाई हूँ मैं। अच्छा, उसका छोटा भाई है तू। चल अपनी बर्बादी की तस्वीर अपनी आंखों से देख, अपनी उजड़ती की दुनिया देख, तेरी दरगाह को खाते हैं, जितने प्रेत है सब एक साथ हासिल होंगे। भीख मांग रहा है, कह रहा छोड़ दे मुझे, भीख मांग रहा हूँ। अभी तो बड़ा कर रहा था, बर्बाद कर रहा था दरबार को, तबाही ला रहा था। अल्लाह के नाम बदनाम करता है ना, तो गलत किया किया कि नहीं किया? नहीं किया, नहीं किया, नहीं बोलूंगा। मतलब अल्लाह अच्छा करता है, यही बोल रहा अल्लाह की तुम सबके कैसा कुकरम करो, यही बोला है तेरे अल्लाह ने, यही बोला है? नहीं है? नहीं। फिर अल्लाह का नाम लेता कभी ने है, बदनाम करता है अल्लाह भगवान के नाम पे हराम जादे खेल चला रखा है वहां, बेवकूफ बना देगा तुम्हें, ठीक है ना? छोड़ दे मुझे, तुझे भी तबाह कर दूंगा मैं। चल तुझे छूट दे दी तबाह करने की, पहले चल 1 मिनट तुझे छूट है, चल आप जला ले। अभी तेरी दरगाह तेरे पास है, तू अभी सही है दरगाह का, है सैकड़ों साल से पूजा करा रहा हूँ, आप निकलवा रहा है छोटे सरकार बड़े सरकार के नाम से। चल
मेरी पूरी शक्तियों को लौटा दे पहले और मेरे तेरी शक्तियों को लौटा दरगाह पहले ठीक कर दरगाह कुछ ठीक ये तो उजाड़ दरगाह में तेरी और उजाड़ दी दरगाह इसकी पूरी दरगाह को बांध दिया जाए चारों ओर से क्या चाहता है तू ये बता दे चारों तरफ से बांध दिया जाए एक दो तेरी दरगाह बन गई पूरी अब तू बता छोटे सरकार उठ लो इसी नाम से पूजा करते थे तेरे लोग छोटे सरकार बड़े सरकार को उल्टा लटका दिया तू बचा वहाँ पे मैंने बहुत हिंदुओं को बर्बाद किया था हिंदुओं को बर्बाद किया और हिंदुओं को बर्बाद किया था हम दोनों ने मिलके दोनों ने क्या बर्बाद किया पूरे हिंदू परिवार पे कब्जा करता हूँ पूरी कौम पे कर लेता हूँ सब हिंदुओं कब्जा करता हूँ उनकी रक्त में घुस के उनके साथ गलत करता हूँ उनके खून में घुस के उनके साथ गलत करते उनकी पुश्ते भी बिगाड़ देता हूँ आने ही नहीं देता दुनिया में आने नहीं देते अगली संतान चाट जाता हूँ जीप से सारे काम करते अच्छा बुला अपने जितने तेरे बुलाते कोई हम किसी को नहीं बुलाएगा मैं तो बाप का भागीदार हूँ उसको भी लटका के रखेंगे तेरे भाई के साथ सात पीरों में भी गिनती होती है दो पीर तो आज कम हो गए एक वो कम होगा आज एक कम होगा मैंने इनके घर में बहुत तांडव किया था बहुत घर में तांडव कर रखा पापा को भी बिगाड़ दिया कहाँ कहाँ ले गया इसको घुमा के तू इसको कहाँ कहाँ घुमाया तू हर जगह घुमाया कहाँ कहाँ पांडव घर ले गया था पांडव घर ले गया था पांडव का सर का उसने मुझे रिश्वत दी थी रिश्वत दी तुमको क्या रिश्वत दी तुमको उसने उसने बोला था मैं तेरा कुछ नहीं करूँगा मेरे प्रेत में डाले इसके तेरा कुछ नहीं करूँगा तू क्या कर मेरे प्रेत बिठा ले अपने पास इसके यहाँ पे गाना देने लग मुझे अच्छा उसने बोला कि मेरे प्रेत बिठा लो साथ मैं तेरा कुछ नहीं बिगाड़ूंगा तेरा कुछ नहीं बिगाड़ूंगा मतलब भाई चोर चोर मोसेरे भाई है पंडो के सरकार में जो हाथी रखा है और दाढ़ी का मल्ला वो तो नंबर एक का मैं कुंभा जफर आदमी था नंबर एक का भूतकाल की बात भूत ही बताते हैं भूत ही बैठे वहां भूत बताएंगे भूतकाल की बात भविष्य की बताने की औकात नहीं उसकी भविष्य बताने की उसकी औकात नहीं यही ये बच्ची बैठी जिस पर ये छोटे बड़े सरकार का बैठा है छोटे सरकार ये भी कम से कम 8-9 साल गए वहाँ उस दरबार में कितने साल गए 11 साल लगातार 11 साल पूरा भविष्य बना दिया है बैठे सारे इस लड़की को तो कुछ नहीं करने दिया पढ़ाई भी नहीं करने देता हूँ मैं कहता हूँ बिस्तर पे लेट मेरे साथ मेरा दिमाग घुमाता हूँ इसका ये रोती है अकेले बैठ के सारी कुटिया पूजा क्यों करती है आराम जादी तो दवाता हूँ औरत है मेरी सब बीवियाँ तुम्हारी सब है ना हिंदुओं की लड़कियाँ सब भाई बीवी है तुम्हारी ना है तो इसमें बुराई क्या है ना भाई 1 किलो पत्ती और सुबह की लाई ताजी पत्ती 1 2 3 खा टट्टी सुबह टट्टी खाता है तेरे जर्रे में सुबह टट्टी सुबह खाता है नासा को भी बनाते हैं इनकी दरगाह मजाक हो गया वो इनके गुलाम हो गए
चढ़े। आदमी सोचता हम तो यहाँ दरगाह में जा रहे बड़े श्रद्धा से, ये कमीने बैठे वहां सुअर, हर जगह यही हो रहा है। इतना झाड़ फूक वाला है, तंत्र वाला है, टोना टुटका वाला, दगा मजा खोल के बैठे लाई मुझे ये। अच्छा, इसके मुंह में हलक तक घुसे दो अंदर तक, इसको और घुसे अंदर तक, और घुसे और घुसे उसको अंदर तक, पेट में पहुंचाओ, पेट तक पहुंचाओ, पहुंचाओ पेट तक। चल पहले तेरे दरगाह उखाड़ते हैं, उसके बाद तुझे रखाएंगे। चल हो गया तेरा कांड, हो तूने उखाड़ दिया कद्दू दरबार का, तुझे टाइम दिया था 1 मिनट या 5 मिनट हो गए, तू कद्दू नहीं उखाड़ पाए, बाल नहीं उखाड़ पाए। और देख मैं तेरी पूरी दुनिया उजाड़ दूंगा आज, आज से हिंदू लड़कियों का सोचा बंद। मुझे भक्ति नहीं मिलेगी, इसकी बंदी हुई दरगाह को चारों ओर जितने भी दूर दूर तक इसके बैठे हुए मुल्ले सब वहाँ खींच लिया दरगाह, सारे मुल्ले खींच के दरगाह में वापस लाए जाए, जो लड़कियों पर है हिंदुस्तान सब खींच के लाएंगे दरगाह, एक दो सब। अब इसकी दरगाह पूरी उठा दी जाए। ओ प्रेम विवाह किया था
उनके पिता से। अच्छा, मेरी संतान ने बहुत बुरी बात मिली, मेरी संतान ने बहुत, इसीलिए शिव के उपासक हैं। लड़की मेरे उस दरबार में गई थी। अच्छा हाँ, फिर इसको बंदा लगा वहाँ पे, इसने जाना बंद कर दिया। अच्छा ठीक है बेटा, तुम दोनों को मुक्ति दी जा रही, ठीक है, तुम पति पत्नी को, ठीक, तैयार हो जाओ। इसके साथ अच्छा करना, इसने इसकी वजह से मुझे मुक्ति मिली। हाँ, इसकी वजह से मुक्ति मिल रही, तुम्हें बिल्कुल अच्छा होगा इनके साथ, ठीक है। तुम दोनों पति पत्नी तैयार हो जाओ एक साथ, मुक्ति का द्वार खुला हुआ है। तीन बार बोलो ओम नमः शिवाय, दोनों लोग बोलना है इधर। बाबा मेरा चेहरा अच्छा कर दो, इसको अच्छा बना दिया जाए। अब इसको दोनों को मुक्ति एक साथ दे दूंगा। तैयार हो जाओ मुक्ति के लिए, तीन बार बोलो ओम नमः शिवाय, मुक्ति के द्वार पहुंच जाओ। मेरे साथ बोलो ओम नमः शिवाय, 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 मुक्ति। देखो ये सुअर बैठे हैं, उनके माँ बाप को मुक्ति मिल गई, थे मुस्लिम मुक्ति मिली, और इन कमीनों को देखो क्या कहते हैं, क्या क्या सजा मिली, क्यों छोटे सरकार, छोटे सरकार है, बहुत पूजा करवाई तूने, क्यों माँ बाप को बंदी बना के रखा था, तो मेरे माँ बाप ने, तुम्हारे माँ बाप इसलिए बांध के रखोगे, शिव शिव करती थी। मैंने क्यों नाम लिया, तुमने क्यों नाम लिया, ले तो लिया बे तूने नाम, अनजाने में मेरा बहने क्यों नाम लिया, शिव तो बोल ही दिया, शिव तो नहीं भाई, चल तैयार हो जा लटकने के लिए, उल्टा तू भी इसको बांध दिया जाए कटीले तारों से, चारों ओर से बांध दिया जाए खींच के कटीले तारों से। उल्टा किया जाए इनको बिल्कुल, बाहर निकल, इसको उल्टा लटका दिया जाए, कोई लटका दिया जाए, आशा के साथ असर निकल, असर भी उसी मान को पहले dead।